आत्मा की दौड़ कहाँ तक? योग और उपयोग तक, वो भी कौन सी कंडीशन पे? जब वो अज्ञानी है। पर द्रव्य का कर्ता तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे मेन बात यह है कि अज्ञान को हटा दिया जाए और वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ज्ञानी हरेक का ज्ञाता है, पुद्गल का ज्ञाता है, लोकालोक का ज्ञाता है, द्रव्य कर्म ज्ञाता है, द्रव्य कर्म को भी वो आम और भिंडी की तरह जान लेता है, पुण्य और पाप को भी वो टिंडे और मटर की तरह जान लेता है।